नमस्कार दोस्तों, एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर एक अच्छी खबर आई है। आयोग की तरफ से ये संकेत मिले हैं कि रिजल्ट जो है 15 दिन में आ सकता है एलटी ग्रेड का। जितने भी कल यानी कि वेडनेसडे को जो अभ्यर्थी जो मिलने गए थे प्रभात कुमार जी से, उनके जो वार्ता हुई है उनसे ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि मैक्सिमम 15 दिनों में जो है परिणाम घोषित हो जाएगा एलटी ग्रेड का। और एक अच्छी खबर मिलेगी आप सभी को, हो सकता है कि आपको दिवाली पे ये गिफ्ट मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाए आपकी सबकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि 5 सितंबर टीचर्स डे पे आपको खुशखबरी मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि हम सब टीचर्स बनने वाले हैं आप सभी लोग, और आपको एक अच्छा ऑफर, एक अच्छा शुभ संकेत मिला है आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं चलता हूँ, क्या है आज देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है स्टडी एनालिसिस, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको क्या है पूरा न्यूज़ की तरफ को। सो फ्रेंड्स, देखिए ये आज प्रयागराज सिटी यानी कि 5 सितंबर का न्यूज़पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये लिखा है कि देखिए एक हेडिंग है इसमें, आयोग अध्यक्ष से मिले एलटी ग्रेड अभ्यर्थी, जल्द घोषित होगा परिणाम। तो जैसा कि आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। देखिए, लोक सेवा आयोग के जो की ओर से साल भर पहले हुई एलटी ग्रेड परीक्षा का परिणाम घोषित करने और पूर्व रिजल्ट घोषित का सत्यापन कराने की मांग को लेकर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के चेयरमैन से मिला। ठीक है, जो प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी में फंसे छात्रों को डिवार करके, देखिए डिवार करके, जो कि हम जानते हैं 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको डिवार करने की मांग की जा रही है, उनको डिवार करके परिणाम घोषित करने की मांग रखी। इस संबंध में छात्रों ने एसएससी की परीक्षाओं का उदाहरण किया कि इस प्रकार गड़बड़ी के आरोपियों को बाहर कर परिणाम घोषित किया जाता है। आयोग अध्यक्ष से बात करने वालों में विक्की खान, अनिल उपाध्याय, अपर्णा पांडे शामिल रहे। प्रतियोगी छात्र शेर सिंह ने कहा कि यदि देखिए 15 दिनों में परिणाम घोषित नहीं होता है तो आयोग पर अमल अनशन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मौजूद रहे वहाँ पे, और आयोग अध्यक्ष से मिलने वाले में डायट प्रवक्ता, मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रतियोगी शामिल रहे। देखिए ये लोग भी वहाँ पे कल यानी कि वेडनेसडे को गए थे मिलने के लिए आयोग में। तो फ्रेंड्स, ये था सारा एनालिसिस आज की, जितने भी न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है एसएससी एलटी ग्रेड रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।